सभी मित्रों को नमस्कार। 4 मई से लॉकडाउन का तृतीय चरण प्रारंभ हो रहा है। यह तृतीय चरण 17 मई तक चलेगा। लॉकडाउन के 2 चरणों का भारत में बड़ा व्यापक असर हुआ है। हमने अपने सामूहिक संकल्प शक्ति के कारण, परस्पर सहकार के कारण कोरोना का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। उसकी रफ्तार धीमी पड़ी है और हमें यह विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम उसको परास्त कर देंगे। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में हमारे कोरोना वॉरियर्स बड़े मेहनत और परिश्रम के साथ लोगों की जनसेवा कर रहे हैं। डॉक्टर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पुलिसकर्मी अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य प्रशासनिक अमला भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभा रहा है। इस कड़ी में हमारे पत्रकार मित्र भी मैदान में उतरकर सूचनाएं एकत्रित करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। भोपाल में इस संदर्भ में मैं डीजियाना चैनल समूह का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। यह चैनल समूह बड़ी परिश्रम के साथ लोगों को शिक्षित कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। अपने सभी चैनल्स के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं प्रस्तुत कर रहा है। सरकार का पक्ष, जनता का पक्ष, इस लड़ाई में जो हमको सावधानियां बरतनी है वो सावधानियां, इसके संदर्भ में व्यापक प्रचार प्रसार डिजियाना चैनल समूह के माध्यम से हो रहा है। डिजियाना चैनल समूह के इस प्रयास की मैं प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि लॉकडाउन के तृतीय चरण में भी डीजियाना चैनल समूह अपनी यह भूमिका जारी रखेगा। उनके माध्यम से लोगों को सूचनाएं मिलेंगी, लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, इस कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। मैं डीजियाना चैनल समूह के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत